अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं जर्दे की रेसिपी। बेसिकली ये जर्दा भी है, इसको लोग मतंजन भी कहते हैं। ये 4 कलर्स का मैंने बेसिकली सिंपल सा बच्चों के लिए बनाया। ये मतंजन तो खैर मतंजन की तरह भी होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी ऐड की जाती हैं। मैंने ये सिंपल सा बनाया क्योंकि बच्चे नहीं खाते इतना। और ये हमने राइस को फर्स्टली बॉईल कर लिया और पानी के अंदर थोड़े से हमने ड्रॉप्स डाल दिए ऑयल के। वो इसलिए ऑयल इसलिए डालते हैं कि ताकि जो है ना हर राइस का दाना अलग-अलग हो जाए चावल का। उसके बाद 4 प्लेट्स ले ली, हर प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा मैंने पानी ऐड कर लिया। उसके बाद कलर, फूड कलर, फर्स्टली मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया, फिर ये रेड कलर था वो ऐड किए, देन मेरे पास कुछ लिक्विड कलर भी थे, ये मैंने ये ब्लू कलर का ऐड किया। ये लिक्विड फॉर्म में था, कुछ ड्राई फॉर्म में होता है। उसके बाद जी ऑरेंज कलर है वो मैंने ऐड किया, ये मोस्टली जर्दे में यूज़ होते हैं। येलो कलर ऐड करने के बाद जो है मैंने सब कलर्स को अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्पून। वो इसलिए मिक्सअप किया कि बेसिकली कुछ ड्राई कलर्स होते हैं वो ऐसे फिर मिक्स नहीं होते, फिर राइस के साथ जगह जगह छोटे छोटे से पार्टिकल्स रह जाते हैं। ये देखें ब्लू भी कर लिया मैंने सब कलर्स को अच्छी तरह। फिर मैंने ये चेक किया चावलों को, तो इसमें जो है ना एक करनी थी, तो फिर मैंने उसके बाद ड्रेन कर लिया। ड्रेन करने के बाद इसके ऊपर प्लेट्स को से कवर कर लेना। प्लेट से कवर इसलिए करना है कि ताकि ये चावल का कोई भी दाना जो है ना ड्राई ना रहे। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, देन उसके अंदर हमने कुछ इलायची डाल लेनी है और कुछ लौंग डाल लेनी है। एक डाल लें, दो डाल लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है, ये खुशबू के लिए होती है। फिर आपने जो राइस रखे हुए थे ना हमने थोड़े से बॉयल करके उनको हमने कलर्स वाली प्लेट्स में ऐड कर देना है थोड़ा थोड़े से। वो इसलिए था कि उन राइस को जो है ना कलर अच्छी तरह जो है ना मिक्सअप हो जाए उनके अंदर। मिक्स करना है, ये ब्लू कलर में हो गया, इनको भी अच्छी तरह जो है ना हमने मिक्सअप कर लेना इन राइजेस को। ये देखें जी अभी इन्हें मिक्सअप करें। फिर हमने पैन में जो है दूध लेना है, थोड़ा सा मिल्क लेना है, हमने 1/2 कप मिल्क ले लें। इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आई है जब मैंने मिल्क ऐड किया ना। देन आपने शुगर ऐड करनी है, शुगर आपने इतनी ऐड करनी है जितने आपके राइस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 1 कप राइस है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1 गिलास अगर राइस है तो हमने 2 गिलास शुगर के ऐड करने हैं। मेरा 1 गिलास था राइस का, भी मैंने 2 गिलास जो है शुगर ऐड किए हैं। फिर देन आपने ड्राई फ्रूट्स, ये थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने जो आपके पास है। मैं इतने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि बच्चे जो है ना वो इतने शौक से ये ड्राई फ्रूट्स निकाल देते हैं। मैं फिर हमने राइस ऐड कर लेने, राइस को ऐड करने के बाद जो है अच्छी तरह राइस को ना मिक्सअप कर लेना है। फिर उसके बाद जो ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के जो कलरफुल राइस हैं इनको अलग अलग जगह पे हमने ऐड अप कर देना। ये किया मैंने इसलिए, इससे ये कि आपके राइस का जो कलर है वो दूसरे राइस पर नहीं चढ़ेगा। अगर हम लिक्विड फॉर्म में अगर राइस डिफरेंट डिफरेंट कलर के राइस कर देना वो फिर ज़्यादा वाइट चावल ना ज़्यादा मज़े के लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। उसके बाद इसको हमने दम पे रख दिया लो फ्लेम में और उसके बाद जब मैंने चेक किया, ओ माय गॉड इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। अब हमने 5 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स जो है ना इसको हमने मिक्सअप कर लेना। अब जब हम इन्हें मिक्सअप करेंगे ना हमारे कलरफुल राइस आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, जो वाइट राइस हैं वो अलग-अलग रहेंगे और बाकी कलरफुल अलग अलग रहेंगे। मैं तो हमेशा इसी मेथड से बनाती हूँ, मैं तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं राइस और कभी भी दाना मींस के कोई कलर किसी दूसरे राइस पे नहीं लगता है। उसके बाद ये मैंने कुछ चंद ड्राई फ्रूट्स रख लिए थे और साथ एग बॉयल जो है किया हुआ था वो मैंने ना रख लिया था। ये मेरे प्लेट्स में फिर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा।